स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में, जिसमें आज आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं 5 वोल्ट शोल्डर आयरन, जो कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आप आमतौर पे आपने देखा होगा कि इस तरह का जो रेगुलेटर ऐसे रहता है, जो 7805 या 7812 ऐसे होता है, इससे आप रेगुलेटर ऐसे से आप शोल्डर आयरन आसानी से बना सकते हैं। या तो आप इस तरह के जो रेजिस्टर रहते हैं, इस तरह से इसे भी आप यूज करके शोल्डर आयरन बना सकते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा बड़ा शोल्डर आयरन बनाने वाले हैं, तो हम यूज करने वाले हैं इस तरह का एक रेजिस्टेंस, जो कि 5 वाट का है और 1 ओम का है। इसे आज हम यूज करके सोल्डर आयरन बनाना सीखने वाले हैं। तो मेरा जो और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल, तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है एक रेगुलेटर आईसी, जो कि 7805 है, और ये है एक रेजिस्टेंस, जो कि आप देख सकते हैं कि इस तरह का रेजिस्टेंस से भी आप सोल्डर आयरन बना सकते हैं। लेकिन आज हम इस तरह का रेजिस्टेंस यूज करने वाले हैं, जो कि 1 ओम 10 वाट का है। इसे हम लगा के आज चेक करने वाले हैं कि ये कितना पावरफुल सोल्डर आयरन बन सकता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं, जो कि 1 ओम 10 वाट का है। इसे हम पहले डायरेक्ट ही इसे वायरिंग करके देखेंगे कि ये कितना हीट होता है। तो पहले मैं इसे एक वायर लगा लेता हूँ। तो मैंने सीधे एक वायर लगा दिया है, जो कि इसके दोनों लेग पर हम सीधे ही कनेक्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसे एक पावर देने के लिए हम एक लिथियम बैटरी का यूज करने वाले हैं, जो कि 3.7 होल्ड की है। इसे हम इसे चलाने के लिए यूज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह का इसका कनेक्शन कर दिया है। अब हम इसे बैटरी कनेक्ट करके देखेंगे। तो मैंने एक लिथियम सेल ले लिया है। तो आप देख सकते हैं एक 3.7 होल्ड और 800 मिली एम्पीयर की बैटरी है। इसे हम लगा के चेक करेंगे। तो मैंने इसे लगा लिया है और थोड़ी देर हम रुकेंगे। तो ये सेल चार्ज नहीं है, तो मैंने इसे बदल दिया और ये है 2000 एम्पीयर की बैटरी है, मिली एम्पीयर की। तो हम इसे लगा के चेक करेंगे। अब ये बहुत ही हीट होना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसे थोड़ा हीट करके देखेंगे। तो ये हीट हो गया, लेकिन इससे ये इंसुलेशन होने की वजह से शोल्डर पिघल नहीं रहा है। तो इससे हम थोड़ा जुगाड़ बना लेंगे। तो मैंने कॉपर वायर ले लिया है, इस तरह का हमें कॉपर वायर ले लेना है। इसे हम थोड़ा इस रेजिस्टेंस पे लपेट लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे रेजिस्टेंस के चारों ओर से इसे इस तरह से वायर को अच्छी तरह से लपेट लिया है। हमें इसे टाइटली इसे लगा लेना है, ताकि इसकी हीट इसमें ट्रांसफ़र हो सके। तो मैंने इस तरह से इसे लगा लिया है और थोड़ा इसे हम टाइट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे बना लिया है। अब हम इसका कनेक्शन फिर से कर देंगे। तो मैंने वही वायर ले लिया है, इसे हम फिर से इन दोनों लेग पे लगा लेंगे। तो फटाफट से मैं इसे लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे लगा लिया है। अब हम इसे फिर से वही 2000 mAh की बैटरी है, इसे हम लगा के चेक करेंगे। तो थोड़ी देर में ये आप देख सकते हैं कि ये हीट होना स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये आसानी से शोल्डर को पिघला रहा है। तो इस तरह से आप इसे बनाकर यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से शोल्डर को पिघला रहा है, लेकिन ये बहुत ही मोटा होने की वजह से आपको शोल्डरिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसका मैं जुगाड़ आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी हीट हो गया है। हमने वही बैटरी यूज की है, 3.7 होल्ट और 2000 mAh की। तो मैंने इस तरह से इसे पिघला लिया है। पिघलता हुआ देख सकते हैं आप शोल्डर को, अभी बहुत ही अच्छी तरह से ये हीट हो गया है। तो इस तरह से आप इसे बनाकर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा जुगाड़ बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी एक रजिस्टर होता है, लेकिन इसके ऊपर ये इंसुलेशन दिया होता है। तो हम इसका इंसुलेशन थोड़ा निकाल के देखेंगे। तो आपको थोड़ा इसे इंसुलेशन निकालना पड़ेगा अच्छी तरह से, लेकिन आप अंदर का रेजिस्टेंस को डैमेज नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसे अच्छी तरह से धीरे धीरे से इसका इंसुलेशन निकालना पड़ेगा। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से एक साइड से टूट गया है। हम इसे धीरे धीरे से इसे इंसुलेशन को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा करके निकालना स्टार्ट कर दिया है।
तो जैसे ये एक साइड से आपको निकल जाएगा तो ये आसानी से दूसरे साइड से बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से निकल जाएगा। इसे बहुत ही सावधानी से निकालना है क्योंकि ये अंदर का रजिस्टर अगर डैमेज हो गया तो ये रजिस्टर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से इसे निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे हम इस साइड का जो इसे लगाया है इंसुलेशन इसे निकाल लेंगे तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर भी एक रजिस्टर ही है लेकिन ये थोड़ा हाई वैट का है इसलिए इसे इंसुलेशन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यह अभी बहुत ही अच्छी तरह से बाहर निकल गया है और ये हीट होने की वजह से थोड़ा काला पड़ गया है। तो इस तरह से हमें इसे बना लेना है, निकाल लेना है और निकालने के बाद हम वही कॉपर का वायर इसे उसी तरह से हमें रजिस्टर पे लपेट लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे लगा के सेंटर में पकड़ के इसे चारों तरफ से हम वायर को लपेट लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे लगा लिया है। हमें दोनों वायर को इस तरह से इसे घुमाकर रजिस्टर पे कवर करना है ताकि इसकी हीट ये पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे लगा लिया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। इस तरह से हमें इसे बना लेना है। इस तरह से बनाने के बाद आप इसे इस तरह का एक बनाकर इसे लगा सकते हैं जो कि पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस तरह से आप भी इसे बना सकते हैं। ये भी रिचार्जेबल एक शोल्डर आयरन है, इसे आप इसी तरह से बनाकर यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। इसे भी आप चाहे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। ये जो रजिस्टर है वह हाफ वैट का है, इसकी जगह अगर आप ये 10 वैट का लगा लेंगे तो ये बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। इस तरह से आप भी इसे बनाकर यूज कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है और यह शोल्डर आयरन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करती है। आप इसका एलिमेंट इस तरह से चेंज कर सकते हैं जो कि हाफ वैट का, इसे आप 10 वैट का लगा सकते हैं। ये रिचार्जेबल है और इसे आप लिथियम सेल इस तरह से निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं और इसे लिथियम सेल चार्जर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है और ये आप चाहे तो इसे 10 वैट के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर हर रोज़ देखने को मिलती है और आगे भी देखने को मिलने वाली है। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई दिक्कत हो या कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू।